डियर स्टूडेंट्स, मैं अमरीश वर्मा। हमने पिछली वीडियो में 11 एजी के लिए जो चर्चा की थी, उस चैप्टर का नाम था बीज संरचना तथा उसके प्रकार। तो उसमें हमने पढ़ा था कि बीज हमारे कितने प्रकार के होते हैं और इनकी संरचना कैसी होती है, इनमें अंकुरण किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार का होता है। तो हमने अंकुरण के बारे में पढ़ा था, बीज की संरचना के बारे में पढ़ा था और बीज का इम्पोर्टेंस क्या है, बीज की वास्तव में परिभाषा क्या होती है। तो इन सब चीज़ों में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और आज जो है उसी में जोड़ते हुए आगे हम देख रहे हैं कि जैसा कि हमारा टॉपिक है अंकुरण की आवश्यक परिस्थितियाँ, तो बीजों में जो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, उसके लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं जिनके बिना अंकुरण संभव नहीं हो सकता है। तो एक एक करके हम जो है देख लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं। तो बीजों के अंकुरण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं, सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो है हमारा जल। फर्स्ट है जल। जल का इम्पोर्टेंस क्या है अंकुरण में, इसके बारे में हम जानेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी बीज हो तो उसमें जो जीवद्रव्य होता है, अगर जीवद्रव्य उसका डेड हो गया तो उसमें जर्मिनेशन हो ही नहीं सकता है। जर्मिनेशन के लिए जो हमारा जीवद्रव्य है, जो बीज का जीवद्रव्य होता है, उसमें जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो लगभग 15 से 16% उसमें नमी का होना अति आवश्यक है। अगर बीज के जीवद्रव्य में 15 से 16% नमी नहीं होगी तो वो बीज जर्मिनेशन के योग्य नहीं होता। जर्मिनेशन के लिए नमी का होना आवश्यक है और हम जानते हैं कि अगर भूमि में नमी चाहिए तो नमी तभी हो सकती है जब उसमें जल की मात्रा होगी। तो सबसे अहम और सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये हमारा जल होता है। सूखी मिट्टी में और सूखे बीज में जर्मिनेशन संभव नहीं हो पाता, कहने का मतलब अंकुरण संभव नहीं हो पाता है। अंकुरण के लिए नमी का होना आवश्यक है और जब जीवद्रव्य में, बीज के जीवद्रव्य में 15 से 16% नमी होगी तभी वो जर्म के योग्य होगा। इसलिए जल की मात्रा निश्चित होना आवश्यक है। दूसरी कंडीशन क्या आती है जर्मिनेशन के लिए, तो दूसरी कंडीशन होती है हमारी पोषक पदार्थ। नेक्स्ट है पोषक पदार्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पोषक पदार्थ। अगर मिट्टी में हमको अच्छा जर्मिनेशन लेना है बीजों का, अगर उनमें अच्छी प्रतिशत मात्रा में हम चाहें कि 95% जो है हमारा जर्मिनेशन ठीक से हो, भली भांति हो, तो मिट्टी में हमको पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो भी निर्धारित करनी होगी। पोषक तत्वों के अंतर्गत हमारे जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, पोटास है, ये सब पदार्थ जो होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी मात्रा जो होती है बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होती है। और जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, इनकी मात्रा मिट्टी में जर्मिनेशन के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होती है, इसलिए इनको हम दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। जैसे हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक दीर्घ पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व में जैसे हमारा फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको अच्छा जर्मिनेशन चाहिए तो पोषक पदार्थों का होना अति आवश्यक होता है। इसमें हमको मात्रा निर्धारित करनी होती है। जो सूक्ष्म पोषक हैं, पोषक तत्व हैं और दीर्घ पोषक तत्व हैं, इनकी मात्रा जो है एक बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, तभी हमारा अच्छा जर्मिनेशन हो पाता है। तो ये दो पॉइंट हमारे हो गए, एक तो जल हो गया और दूसरा पोषक पदार्थ हो गया। तीसरा क्या हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है बीज का आवरण। बीज का आवरण, या हम कह सकते हैं बीजावरण, इसका भी जर्मिनेशन में कुछ रोल होता है। बीजावरण का जर्मिनेशन में क्या रोल होता है, कुछ बीज हमारे होते हैं जो, जैसे मान लीजिए चना है, चने का बीज है,
कुछ बीज होते हैं जिनमें बीजांड द्वार होता है। ये अरंड का बीज है, ये चने का बीज है। दोनों में अंतर क्या है? इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है ये एक बिंदु होता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। इस बीजावरण पे जो बिंदु है इसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। तो ये जो चने का बीज है हमारा, ये क्या करता है, इस बीजांड द्वार के माध्यम से नमी का अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण जो है नमी की मात्रा जो होती है वो बीज के अंदर पहुँच जाती है और फिर जो है जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन कुछ और भी बीज होते हैं जिनमें बीजांड द्वार नहीं होता है, तो फुल जो कैबिनेट होता है, पूरा जो आवरण होता है, तो हर एक जगह से नमी का अवशोषण नहीं हो पाता। तो इसके लिए जो है इसमें बीज चोलक के ऊपर कुछ निर्धारित स्थान होते हैं जहाँ से ही केवल वहीं से जर्मिनेशन के लिए नमी का अवशोषण हो पाता है। जैसे अरंड है, हम लोगों ने देखा है अरंड का जो बीज होता है जिसे रेंडी कहते हैं, इसमें बीज के सबसे ऊपर जो है बहुत ही हल्के कलर का मखमली जैसी संरचना होती है, इसके द्वारा नमी का अवशोषण होता है और बीज के अंदर नमी पहुँचती है और जर्मिनेशन हो जाता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो संपूर्ण आवरण के द्वारा, मतलब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए सरसों का, तो इसमें जो पूरा आवरण होता है तो संपूर्ण आवरण के द्वारा भी जो है नमी का अवशोषण कर लिया जा सकता है। तो जब संपूर्ण आवरण के द्वारा नमी का अवशोषण हो जाता है तो उसका जो जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य में जो जल की क्वांटिटी होती है वो नियमित बनी रहती है और आसानी से जर्मिनेशन हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा बीजावरण। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला फैक्टर जो है जर्मिनेशन के लिए, वो है हमारा टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर, जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर, ताप एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक फैक्टर होता है। हम जानते हैं कि अगर हमको अच्छा जर्मिनेशन लेना है, अच्छी क्वांटिटी में जर्मिनेशन लेना है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लगभग हमारा जर्मिनेशन के लिए 25 से 30% या 25 से 30 डिग्री का ताप आवश्यक होता है। इससे कम ताप पर जर्मिनेशन प्रभावित होता है और अधिक ताप पर भी जर्मिनेशन प्रभावित होता है। ये एक आइडियल है, यह एक आदर्श ताप होता है बीज के जर्मिनेशन के लिए। अगर जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 50 डिग्री सेल्सियस ताप दे दें किसी बीज को, तो उसके अंदर जो हमारा जीवद्रव्य होता है वो डेड हो जाएगा, वो सूख जाएगा, जिससे जो जर्मिनेशन होगा वो प्रभावित हो जाएगा और जर्मिनेशन हो नहीं पाएगा। अगर हम कह दें कि 0 डिग्री सेल्सियस दे दें, बहुत ही कम टेम्परेचर दे दें, तब भी जो जीवद्रव्य होगा उसमें जितनी भी जैविक क्रियाएं होंगी वो रुक जाएंगी और जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो लगभग 25 से 30 डिग्री की आवश्यकता होती है और ये एक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। इस टेम्परेचर में जो जर्मिनेशन हमारा होता है वो अच्छी क्वालिटी में होता है और जितना हम चाहते हैं लगभग 90 से 95% तक का जो जर्मिनेशन हो जाता है वो इतने टेम्परेचर पे हो जाता है। नेक्स्ट जो अगला फैक्टर है अंकुरण के लिए, वो प्रकाश, लाइट। प्रकाश, यद्यपि प्रकाश की बहुत अहम भूमिका जर्मिनेशन में नहीं देखी गई है, फिर भी कुछ पौधों में या कुछ बीजों में जो है प्रकाश का रोल, जो जर्मिनेशन के बाद जब नवोद्भिद का विकास हो रहा होता है उस समय प्रकाश की अति आवश्यकता होती है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में प्रकाश दे दिया जाए तो जर्मिनेशन प्रभावित भी हो सकता है। जैसे टमाटर है, तंबाकू है, इन पौधों के जर्मिनेशन में प्रकाश की लंबी अवधि की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रकाश होता है ये जर्मिनेशन के जस्ट बाद जो नवोद्भिद होता है उसमें जब हमारे टिश्यूज का विकास हो रहा होता है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला फैक्टर हम देखते हैं वो क्या है, तो अगला जो हमारा है वो है वायु या ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन को आमतौर पे हम लोग प्राण वायु भी कहते हैं। तो जो हमारे बीज होते हैं उनमें भी श्वसन क्रिया होती है, हम लोग भी श्वसन करते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं वो श्वसन करते हैं। अगर श्वसन नहीं करेंगे, कोशिकाओं में श्वसन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो जो हमारे सीड होते हैं उनमें भी श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन जो है अति आवश्यक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन नहीं हो सकता। अगर श्वसन नहीं होगा तो बीज को अंकुरण के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और बीज में अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो वायु है वो अंकुरण में कैसे सहायक है, प्रकाश जो है कैसे सहायक है, ताप कैसे सहायक है, और बीज का जो आवरण होता है वो किस प्रकार से अंकुरण की क्रिया में सहायक होता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा चना होता है, चने में किस प्रकार का अंकुरण होता है और कैसे अंकुरण होता है। चना हमारा द्विबीजपत्री बीज होता है। चने में अंकुरण, चने में अंकुरण, चना हमारा द्विबीजपत्री बीज है। बीज हम पहले भी पढ़े थे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री बीज है चना हमारा। और इसमें जो अंकुरण होता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था जब हमने पढ़ा था कि अंकुरण के प्रकार, तो वहाँ पर हम दो प्रकार पढ़े थे। फिर से एक बार याद दिला देते हैं आपको, अंकुरण के हम दो प्रकार पढ़े थे। एक था हमारा अधोभूमिक अंकुरण और दूसरा था भूम्योपरिक अंकुरण। चने में द्विबीजपत्री बीज है, इसमें अधोभूमिक अंकुरण होता है। तो अधोभूमिक अंकुरण की जब हमने डिफिनेशन बताई थी तो हमने बताया था कि जो बीजपत्र होते हैं वो धरातल की सतह के बराबर रह जाते हैं या ऊपर नहीं आते हैं, कभी कभी धरातल की सतह के नीचे ही रह जाते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोजियल कहते हैं, अधोभूमिक को हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, और इसको कहते हैं इपीजियल। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं चने में अंकुरण का, तो देख लेते हैं हम कैसे चने में अंकुरण होता है। चने में अंकुरण, चने में, चना द्विबीजपत्री बीज है, इसमें होता है अधोभूमिक, अधोभूमिक अंकुरण। अगर पूछा जाए कि चने में कैसा अंकुरण होता है तो अधोभूमिक अंकुरण होता है। और एक चीज हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था बीज का, तो उसमें यह भी बताया था कि बीज पोषण की रीति से दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्रूणपोषी, दूसरे भ्रूणपोषी। तो ये जो चने का बीज होता है कैसा होता है, अभ्रूणपोषी होता है, अभ्रूणपोषी। ये एक एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी एक अधोभूमिक अंकुरण तथा अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण दीजिए, तो आपका एग्जाम्पल रहेगा चना। तो इसमें अंकुरण जब होता है चने में, तो इसका चने का जो बीजावरण होता है वो मिट्टी से, मिट्टी में जाने के बाद बीजा आवरण के द्वारा नमी का अवशोषण कर लिया जाता है, और नमी का जब अवशोषण कर लिया जाता है तो बीजावरण कुछ समय के बाद ब्रेक हो जाता है, फट जाता है, और इसमें से प्रांकुर ऊपर की ओर, प्रांकुर ऊपर की ओर और मूलांकुर हमारा नीचे की ओर वृद्धि करता है। मूलांकुर के द्वारा, मूलांकुर से जड़ तंत्र का विकास होता है। जड़ तंत्र का विकास किससे होता है, मूलांकुर से। मूलांकुर के द्वारा जड़ तंत्र का विकास होता है और प्रांकुर से हमारा प्ररोह तंत्र,
प्ररोह तंत्र का विकास होता है। ये तो हमारा चने में हो गया। चने में जो अंकुरण होता है ये अधोभूमिक प्रकार का होता है, कहने का मतलब धरातल की सतह के ऊपर हमारे बीजपत्र नहीं आ पाते हैं। अब हम देखते हैं सेम में, जो हमारी सेम होती है सेम में किस प्रकार का अंकुरण होता है। सेम में हमारा जो अंकुरण होता है वो भूम्युपरिक प्रकार का अंकुरण होता है। ये आपके सामने लिखा है भूम्युपरिक अंकुरण, इसका भी एग्जाम्पल बता देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो हमारा होता है सेम में अंकुरण। सेम चूंकि हम जानते हैं कि सेम भी हमारा द्विबीजपत्री बीज होता है, इसमें जो अंकुरण होता है ये होता है भूम्युपरिक प्रकार का, भूम्युपरिक प्रकार का अंकुरण होता है। इस प्रकार के अंकुरण में जो बीजपत्र होते हैं हमारे वो धरातल की सतह के ऊपर आ सकते हैं, आ जाते हैं। तो धरातल की सतह के जब ऊपर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए सेम का बीज है, तो इसमें जब बीजावरण के द्वारा जब नमी का अवशोषण होगा तो इसके द्वारा सबसे पहले मूलांकुर का विकास होता है। मूलांकुर का विकास होगा जिससे यह नीचे की ओर जा करके जड़तंत्र का विकास करेगा, और ऊपर की ओर प्रांकुर का विकास होता है। इससे जो है ऊपर की ओर तने का विकास हो जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के जर्मिनेशन में जो हमारे बीजपत्र होते हैं ये धरातल की सतह के ऊपर आ जाते हैं, और कुछ समय के बाद ये सूख कर गिर जाते हैं और हमारा जो नवोद्भित पौधा होता है वो विकसित हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रयोग के माध्यम से, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम देखेंगे कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन होती हैं, तो दो प्रयोग के माध्यम से हम देखेंगे कि ताप और नमी और प्रकाश की कौन कौन सी ताप नमी और प्रकाश के द्वारा कैसे बीज में अंकुरण प्रभावित होता है। तो दो प्रयोग के माध्यम से हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि अंकुरण के लिए आम तौर पे कौन कौन सी परिस्थितियाँ होनी चाहिए थी। अब हम यहाँ पर एक प्रयोग के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं आवश्यक जिनके थ्रू अंकुरण होता है, उनकी अनुपस्थिति में अंकुरण हो ही नहीं सकता। तो हम पहले प्रयोग में देखते हैं ताप, नमी व ऑक्सीजन। एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में इस प्रकार से तीन बीजों को एडजस्ट करते हैं, और इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर एक बीज जो है एडजस्ट किया गया है, फिर मध्य भाग में है, और फिर एक सबसे निचले भाग में है, और इस बीकर में है जल भर देते हैं। तो जो सबसे निचला बीज होता है इसमें हम देख रहे हैं कि अंकुरण नहीं हो रहा है, बिल्कुल ना के बराबर मूलांकुर भाग थोड़ा सा निकला है, इसके बाद अंकुरण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण यह है कि इसके पास जल की तो पर्याप्त मात्रा है, जल की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन केवल जल से ही अंकुरण नहीं हो जाता, इसके लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। और यहाँ जल के अंदर जो है यहाँ पर ये पूरी तरीके से वायु के संपर्क में नहीं है, और जब वायु के संपर्क में नहीं है ऑक्सीजन नहीं पा रहा है, इसलिए इसमें अंकुरण नहीं हो रहा। फिर हम देखते हैं मध्य भाग में जो दूसरा बीज है हमारा, ये हम देखते हैं कि जल के बिल्कुल करीब में बिल्कुल जो है टचअप कर रहा है, और ऊपर जो है वायु से भी, वायु के संपर्क में भी है, तो इसको जो है टेम्परेचर भी मिल रहा है, वायु भी मिल रही है, और नमी भी मिल रही है, जिससे इसमें अंकुरण हम देख रहे हैं, और अंकुरण भली भांति हो रहा है। सबसे ऊपरी वाला जो भाग है हमारा, सबसे ऊपरी भाग परखनली का, इसका सॉरी बीकर का, इसमें जो ऊपर लगा है बीज हमारा, इसमें ना तो जल ये पा रहा है, नमी पा रहा है, और ना ही जो है इसको पर्याप्त मात्रा में, जब नमी नहीं मिल पाएगी इसको अधिक मात्रा में, वायु भी मिल रही है, टेम्परेचर भी मिल रहा है, लेकिन नमी के अभाव में इसमें अंकुरण नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब है किसी एक फैक्टर से जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, इसके लिए सबका होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो अगला हमारा प्रयोग है, दूसरे प्रयोग में हम देखते हैं
कि ऑक्सीजन की आवश्यकता, जैसा कि यहाँ लिखा है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता, मतलब अंकुरण में ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता होती है, क्या भूमिका होती है। इसमें हमने देखा कि ये तो हमारे पास दो कोनिकल फ्लास्क हैं, शंक्वाकार फ्लास्क हैं। इसमें बीज अंकुरण के लिए सबसे निचली सतह पे रुई से भीगी हुई एक परत बिछा दी गई है और उसी में जो है बीज डाल दिए गए हैं। और इस पहले वाले फ्लास्क में इसमें एक क्षारीय पाइरो गैलाल का टुकड़ा लटका दिया गया है। ये क्या करता है, ये इस फ्लास्क के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको सोख लेता है, और जब ये ऑक्सीजन को सोख लेता है तो इसके अंदर जो हमारे बीज होते हैं वो ऑक्सीजन के अभाव में जर्मिनेशन नहीं कर पाते हैं, अंकुरण नहीं कर पाते हैं। ठीक हम दूसरे फ्लास्क में देख रहे हैं कि जो हमारे सीड हैं उनको नमी तो पहले से दे चुके हैं रुई, भीगी हुई रुई के माध्यम से, और ऊपर के माध्यम से जो खुला हुआ इसका मुंह है इसके माध्यम से उसको टेम्परेचर और वायु भी मिलती है। तो हम इसका रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट हमारे सामने है। ये हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे सीड हैं ये अंकुरित हुए नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा प्रयोग के माध्यम से भी कि अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा मूल, मूल उसकी संरचना और उसके कार्य और रूपांतरण, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।